सब्सक्राइब कीजिए इज इट टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इज इट कुक में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे उपमा प्रीमिक्स से उपमा की रेसिपी। लास्ट वीक हमने आपसे उपमा प्रीमिक्स की रेसिपी को शेयर किया था, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास उपमा प्रीमिक्स अवेलेबल है तो आप 3 से 4 मिनट के अंदर अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं वो अपना पैकेट बनाकर ले जा सकते हैं और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अपने उपमा को, और पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उपमा प्रीमिक्स से उपमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर उपमा प्रीमिक्स में से 1 कप उपमा प्रीमिक्स ले लिया है। इसको अभी हम एक साइड रख देंगे। जिस कप से हमने प्रीमिक्स पाउडर मेजर किया था, इसी कप से हम 2.5 कप पानी मेजर कर अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा तब आगे का प्रोसेस करेंगे। पानी हमारा यहाँ बॉईल हो गया है, गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और जो हमारा ये प्रीमिक्स है इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे इस तरीके से। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक और डालेंगे, क्योंकि जब हमने अपना प्रीमिक्स बनाया था तब हमने नमक बहुत कम डाला था। और बस इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख नहीं जाएगा, ये हमारी सूजी फूल नहीं जाएगी जब तक हम इसको चलाते रहेंगे। और गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो सूजी है, रवा है, ये अच्छे से फूलना स्टार्ट हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर ये 1/2 लेमन जूस है, 1/2 नींबू का रस है, ये भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 2 चम्मच फ्रेश कोकोनट है जिसको हमने अच्छे से कस लिया है, ये भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारा ये उपमा भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही ढक के रखेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन उतार देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। वैसे तो हमने हरा धनिया अपने प्रीमिक्स पाउडर बनाने में भी डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया हम अभी और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये देखिए बनकर तैयार हो गया हमारा उपमा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया हमारा उपमा। और उपमा प्रीमिक्स से हमने जो ये उपमा बनाया है इसको बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। तो आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ये प्रीमिक्स बना हुआ होगा तो आप बहुत जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट या शाम को इवनिंग टाइम में भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और अगर पसंद आ जाए ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इज इट अ कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।